दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। भारत और पाकिस्तान के बीच गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर विवाद तो काफी पुराना है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत ने दो कदम आगे की चाल भी चल दी है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का वेदर फोरकास्ट रिलीज किया है, पर एक छोटे बदलाव के साथ। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के अपने मौसम संबंधित सब डिवीजन का उल्लेख जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के रूप में करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके का हिस्सा है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा बना हुआ है। नई दिल्ली स्थित मौसम विभाग द्वारा जारी उत्तर पश्चिमी भारत के लिए डेली फोरकास्ट में मंगलवार से नामों में बदलाव दिखाई देने भी लगा है। रोजाना जारी होने वाले रीजन वाइज फोरकास्ट में पूरे सब डिवीजन के लिए हैं, न कि किसी विशेष एरिया के लिए। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि कर दिया है कि नामों में बदलाव किया गया है। भारतीय मौसम विभाग का यह कदम न केवल एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की बदली हुई स्थिति को दर्शाता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। भारत का यह रुख पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद देखने को मिला है, जिसमें कि कोर्ट ने संघीय सरकार को गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 की सरकार को संशोधन की अनुमति दी है। इससे अब पाकिस्तान को इस इलाके में आम चुनाव कराए जाने की मंजूरी मिल गई है। पाक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान को यह साफ शब्दों में बता दिया गया है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान इलाका जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को फौरन गैरकानूनी तरीके से कब्जाए इस इलाके को खाली कर देना चाहिए। यानी कि अब देखा जाए तो भारत ने एक संदेश दे दिया है कि अब भारत कुछ बड़ा करने वाला है, और ये गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में मिलाने से रिलेटेड ही होगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के कश्मीर के इलाके के एक सोशल एक्टिविस्ट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और उन्होंने ये कहा है कि अब पाकिस्तान यह चाहता है कि अब कारगिल के रास्ते से भी घुसपैठ यानी कि इन्फिल्ट्रेशन की जा सके और इंटरनेशनल मीडिया में ये दिखाया जा सके कि अब देखिए सिर्फ ये पीओके का ही नहीं, कारगिल यानी कि लद्दाख तक में ये हिस्सा यानी कि विवादित है और यहाँ दिक्कतें चल रही हैं, ताकि इसको इंटरनेशनली डिस्प्यूट करने की और बड़ी मुहिम चलाई जा सके। आइए अब मैं आपको वो एक्टिविस्ट का अपना वायरल वीडियो दिखाता हूँ। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को कहा है कि आप 2018 ऑर्डर गिलगित बल्तिस्तान में अमेंडमेंट करके वहाँ इलेक्शन करवाए, जनरल इलेक्शन। पाकिस्तान का पहले तो बात यह है कि ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि पाकिस्तान इंटरफेयर करे गिलगित बल्तिस्तान के मामलात में। तो ये इलेक्शन का क्या मकसद है? इलेक्शन का मकसद ये है कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत कायम की जाए गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी की हुकूमत हो, और फिर उसके ज़रिए असम्बली में ये बिल पेश किया जाए पार्लियामेंट, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, कि आप इसको सूबा बनाएं गिलगित बल्तिस्तान को, और ये आएगी रिकमेंडेशन गिलगित बल्तिस्तान की पार्लियामेंट से। ये इनकी कोशिश है। दूसरी इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की जो फौज है उसके ट्रूप्स जो है उनकी हैवी डिप्लॉयमेंट की जाए, ताकि स्कर्दू कारगिल का जो रास्ता है वहाँ से एक और महाज खोला जाए और टेररिस्ट को और जो जहादिस्ट हैं इनको वहाँ से दाखिल किया जाए, और फिर वहाँ पे जो है वो एक नया फ्रंट खोला जाए इंडिया के ख़िलाफ़, और ये दिखाया जाए दुनिया को कि जी देखिए सिर्फ कश्मीर में ये मसला नहीं है बल्कि ये अब लद्दाख में भी लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अनरेस्ट डेवलप हो, रॉयट्स हो, ताकि उन रॉयट्स के बहाने से वहाँ पे वो फौज डिप्लॉय की जाए।
दोस्तों, वीडियो के विषय में अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल में वृद्धि जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।